गाइस, स्वागत है आपके इस अद्भुत और बकवास से भरे शो में जिसका नाम है पीके किंग 4। तो आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर और करने वाले हैं जबरदस्त डेंजरस किलिंग शॉट। नहीं पता तो ऐसे रहे जैसे साउथ के कोई नई एक्शन मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर रहा हो जिसमें का डायरेक्टर ये खुद हो। तो क्यों ना बताऊँ, मेरे गेम प्ले किसी साउथ या हॉलीवुड के एक्शन पैक मूवी से कम नहीं होते। नहीं, अगर इसे गेम प्ले कहते हैं, इसे जबरदस्त गेम प्ले कहते हैं ना, तो मैं पतंग उड़ा कर ही खुश हूँ। पतंग उड़ाना ही मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, ऐसी बात है। तो ये देखिए, ये मारा और ये क्यों ये मारा, ये जबरदस्त, और ये अंग्रेज के बच्चे को मारते हुए, और ये आगे बढ़ते हुए, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक और किलिंग शॉट हो गया, और इधर हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर और किलिंग शॉट की तैयारी है, और ये किलिंग किलिंग किलिंग, और ये जबरदस्त किलिंग शॉट। ये तो अपने पास वही फुल पावर है, फुल जबरदस्त खेल रहे हैं अपन, तो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखते हैं, और ये नहीं नहीं चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे बहुत बड़ा कहीं का डॉन हो। भाई इतना बकवास ही तो खेल रहा है भाई, गेम प्ले जबरदस्त क्यों ना हो, वो तो तू एडिटिंग किया है ना इसलिए लग रहा है। नहीं भैया, मैं एडिटिंग नहीं किया हूँ, बहुत सही। पीके, मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। तू और शायरी? चल कोई नहीं, बोल बोल, जब इतना कुछ सह चुके हैं तो ये भी सह लेंगे। तो इस गेम का हो चुका रेडी स्टेडी को है, इस गेम में रोनाल्डो है। वाह, अबे सुअर के शक्ल के तुझे बड़ा पता है। अबे मैंने अभी कुछ बोले ही कहा नहीं, अगर इसे शायरी बोलते हैं ना तो मैं शायरी का गला घोट के उसे ज़मीन में दफनाना चाहूँगा। शायरी तो मैं बोलता हूँ, देख तू सुन चुपचाप। इस गेम में जो खेल रहा है बंदा वो प्रो है, इसलिए इसको मिला है कैरेक्टर रोनाल्डो है। अबे कमीने, वाह वाह तो बोल। अगर मैंने वाह वाह बोल दिया ना तो रोनाल्डो बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। अभी तेरे गेम प्ले को कौन देखता है? कोई नहीं देखता, वो तो सब मेरे वॉइस को सुनने के लिए आते हैं क्योंकि इतना जबरदस्त बोलता हूँ, समझ गया। अबे तेरे शायरी को सुनकर तो शायरी को भी उल्टी आ जाए। और तू जो फ्री फायर में टट्टी फैला रहा है उसका क्या? तुझे बड़ा पता है टट्टी के बारे में? लगता है बहुत पुराना यार ना है। नहीं नहीं, ये तो तेरी बात है भाई, मेरे को क्यों बोल रहे है? अपनी बात अपने को जरिए बता भाई, फ्रेंड्स को। भाई अपने पास वेक्टर गन है, और वेक्टर गन का इस्तेमाल करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, और अपने पास दो वेक्टर है भाई, लेकिन अपन डबल वेक्टर गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि भाई सामने वाला बंदा बोलेगा ये तो चीटिंग छे बाबू। बट ऐसा हम नहीं करेंगे, हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलते हैं ईमानदारी। नहीं, ईमानदारी की बात कर भी कौन रहा है, एक पागल इंसान जो खुद बहुत बड़ा बेईमान हो। अबे तू मुझको बेईमान बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं बहुत ईमानदार हूँ। देख भाई, एक वेक्टर से ही कैसे उड़ा दे रहा हूँ बंदे को, और ये उड़ा भाई, ये पिटाई है जबरदस्त खेलते हुए। और वैसे मैं बता दूँ भाई कि मैं एक नंबर का किंग हूँ भाई, जबरदस्त किंग। नहीं, ये बंदा अपने आप की कितनी तारीफ करता है भाई, इसका मुँह नहीं थकता अपने आप की तारीफ करते हुए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुद की तारीफ करना, लेकिन ये बंदा खुद की तारीफ पर ही जी रहा है। अबे तू आता ही क्यों है, तू खिसक ना भाई। नहीं, मैं तो नहीं खिसकूंगा, लोगों को मरने से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तेरे बकवास सुनकर लोग ऊपर पर लोग सुधार जाते हैं भाई, स्वर्ग जाने वाले भी नर्क जाते हैं जो तेरे वाणी सुनते हैं। अबे मेरे वाणी बहुत जबरदस्त है समझे, मेरे बातें जो सुनता है ना वो स्वर्ग जाता है। अच्छा, तो ये खुद को भूल भी कर लिया कि स्वर्ग जाते हैं इसके वाणी सुनने वाले। चुप। तो भाई लोग, अपने हैवी गन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जबरदस्त किलिंग शॉट दिखाते हुए बहुत जबरदस्त खेल भी रहे हैं। तो भाई अपन ने स्मैश करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो भाई स्मैश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकेट करने का फुल तैयारी कर चुका हूँ भाई, बहुत सारा मेडिकेट रख सकता हूँ भाई, रख लिया हूँ, आप देख सकते हो भाई इतना ज़्यादा रखा हूँ, 200 से भी ज़्यादा है भाई, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। ये आएगा काम हमारे जीवन लाइफ को बढ़ाने के लिए भाई, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी वाला डायलॉग तो सुनी लिया होगा भाई। तू बहुत बोल रहा है, अब मैं बोलूँगा, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दे। नहीं नहीं भाई, तू रहने दे, तू मत बोल, दिक्कत की बात नहीं। नहीं नहीं, प्लीज़ बोलने का मौका दे, आज तो मैं भी बोलना चाहूँगा। अच्छा तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये देखो, गेम प्ले करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, अब आगे है भैया पिंटो। पिंटो यानी कि मैं जबरदस्त हूँ, जबरदस्त खेलता हूँ, और जबरदस्त बंदा भी हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून। क्या बात है पिंटो, बहुत अच्छा गा रहा है भाई, बहुत सही गा रहा है। अच्छा तो तू मान ही लिया बहुत अच्छा गा रहा हूँ। अबे बहुत अच्छा गा रहा है कहने का मतलब, तू आज गा क्यों रहा है? नहीं, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। वैसे तू कैसे गाता है? बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा तू बहुत अच्छा गाता है, उस दिन इसके गाने की आवाज़ सुनकर चार बच्चे बेहोश हो गए, एक बच्चा तो कोमा में पहुँच गया अभी। अबे कोमा में नहीं पहुँचे, मेरा गाना इतना उनको प्यारा लगा कि वो सपनों में खो गए और सोचने लगे कि भविष्य में वो बड़े होकर पीके के तरह ही गाएंगे, समझ गया। अबे भगवान ने चिमगादड़ जैसा मुंह दिया है तो तू कुछ भी बोलेगा।
अभी मुझे कुछ बोलने से पहले अपने बारे में सोच। एक दिन इस सड़क पे गाना गाना अचानक से शुरू कर दिया, लोग डर कर इधर उधर भागने लगे और भाई लोगों को ये लगने लगा कि कोई नया टेररिस्ट आ गया जो नए तरीके से लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही नहीं, एक दिन 3 बिल्लियों ने तो सुसाइड ही कर लिया और साथ में चीफ मक्खी इसके गाना सुनकर आत्महत्या करने की ओर चल पड़े। अब सड़क के कुत्ते भी तेरे से बहुत अच्छा गा लेते हैं, समझ गया। इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये बकवास कर रहा है भाई। जैसा कि अपने पास अब वुड पिकर गन आ गए, इसका नाम वुड पिकर है जो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हमारे पास 2 तोप के गोले हैं, मतलब 2 सूट पे बंदे को उड़ा देने वाला गन है जो बहुत ज़बरदस्त है भाई। शॉट गन भी बहुत ज़बरदस्त है अपने पास, और टॉप एंगल के लिए प्लस हेड शॉट के लिए वुड पिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वुड पिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। आगे बढ़ रहे हैं, अपन सही ही खेल रहे हैं, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो भाई लास्ट बंदे बचे हुए हैं, आखिरी बंदे बचे हुए हैं, और उस बंदे को पीट रहे हैं भाई, और ये पड़ा और ये आगे बढ़ रहे हैं भाई। कि कल मेरे सपने में ना आलिया भट्ट आई थी। तेरे सपने में आलिया भट्ट? अच्छा, तब तो फ्लिपकार्ट वाले चप्पल से कुटाई हुई है बेटा तेरी तो। अभी दिमाग तेरे सड़े हुए बैगन की तरह, तो कम से कम बातें तो सड़ी हुई मत करे कर। अबे आईने में कभी अपनी शक्ल देखी हुई है? मरी हुई छिपकली भी तुझसे बेटर दिखती। हाँ छिपकली तो तुझको बेटर लगेगी क्योंकि गर्लफ्रेंड जो है तेरी। अबे ठीक से याद कर, आलिया भट्ट की जगह एनाबेल होगी जो तुझको लोगों से डराने के लिए तुझसे ट्रेनिंग ले रही होगी, समझ गए। वैसे एनाबेल के साथ तेरी जोड़ी बहुत सही लगेगी भाई, राम बनाई जोड़ी लगेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, इतना ही वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे भाई। वीडियो थोड़ी छोटी है, दिक्कत की बात नहीं है भाई, आराम से देखो, मज़े में देखो। तो भाई फिर मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही यार, मेरे सारे वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है भाई। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे इसी बकवास से शो के साथ। मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भाई, बताओ मेरे को। और बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही बेबी लिटिल वर्ड यानी कि चिड़िया के ऊपर है भाई, बहुत सही गेम है, तो प्लीज़ देखना भाई। तो भाई बाय, मेरे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करो भाई।